टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पश्चिम बंगाल की युवती से गैंगरेप मामले में आखिरकार एक महीने बाद पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अनिल मलिक को भिवानी से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। हालांकि मामले के आरोपित अनूप चनौद और अंकुर सांगवान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ के दौरान बेहद ही चौंका देने वाले कई खुलासे हुए हैं, जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये तमाम जानकारी खुद डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और जल्द बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। किसान जब आंदोलन यहाँ शुरू हुआ उस समय 6 लड़के थे, अनूप, जगदीश, अंकुर, अनिल, योगिता, उनके साथ में 2 लेडीज थी, कविता और योगिता। ये सब के सब यहाँ से वेस्ट बंगाल गए थे इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन में वहाँ पर कन्वेंशन करने के बाद ये वापस आते समय एक लड़की वेस्ट बंगाल की एक लड़की को साथ ले गए थे। साथ लेने के बाद वो लड़की के साथ टेंट में रही, टेंट में रहने के दौरान ही उसकी बाद में तबीयत खराब होने के कारण से उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जहाँ 30-4 को उसकी डेथ हो गई। उसके बाद वहाँ से जब उसका फादर आया है, फादर आने के बाद 9/5/2021 को उसके फादर ने एक कंप्लेंट दी थी जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था, और मुकदमा की तफ्तीश की गई। तफ्तीश के दौरान हमने काफ़ी लोगों को शामिल जांच किया गया। सामने तफ्तीश के दौरान ये भी बातें सामने आई थी कि भी अनिल मलिक, अनूप चनौद और जगदीश बराड और अंकुर, इन्होंने जो उसके साथ छेड़खानी भी करी और रेप भी किया, और मेन रेप करने में जो आरोपी थे अनूप चनौद और अनिल मलिक थे, और अंकुर के ऊपर छेड़खानी का आरोप था। और जो अंकुर है, जो जगदीश बराड है, जगदीश बराड को इन सारे तथ्य का पता था, उसने प्रेशर डाला था भाई इस बात को कहीं आउट ना किया जाए ताकि हमारे किसान आंदोलन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अब इस मुकदमा के अंदर अनिल मलिक को कल भिवानी से गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तारी के बाद उसने इस चीज़ को मानना है भी उसने रास्ते में रेल के अंदर भी उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था छेड़खानी की, और यहाँ पर आने के बाद टेंट के अंदर भी उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। और इसके दुष्कर्म के बारे में जब दूसरे अनूप को पता लगा तो अनूप ने भी प्रेस डालकर उस लड़की के साथ गलतकारी की, जो फिर कंटिन्यूशन में इसके बाद का जब बाकी साथियों को पता लगा तो अंकुर सांगवान का भी आरोपी ने बताया कि उसने भी उसके साथ छेड़खानी की। और जगदीश बराड को इस बात का सारे का तथ्य का पता था, उसने प्रेशर डाला कि भाई इस बात को कहीं आउट ना करा जाए, किसी को बताया ना जाए ताकि हमारा किसी आंदोलन को फर्क ना पड़े। कोई वीडियो भी बनाई गई थी इसमें, एक वीडियो बनाई गई थी इसके आरोपी द्वारा जो हमने बरामद की जाने, अनूप के द्वारा, अनिल के द्वारा, अनिल वाली के द्वारा। तो उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल किया गया, उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल भी किया गया, तो वीडियो हमें अभी बरामद की। तो अभी 3 दिन के रिमांड पे, 3 दिन का रिमांड दिया गया अभी सर। FIR दर्ज होने के बाद आज 1 महीना हो गया है, अनिल मलिक को गिरफ्तार कर लिया है, कहाँ से किया और बाकी आरोपियों का क्या? अनिल मलिक को भिवानी से गिरफ्तार किया गया और आज इसको 3 दिन का रिमांड लिया गया, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। पुलिस अधिकारी की माने तो आरोपी अनिल मलिक ने दुष्कर्म की वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया था, जिसके बाद ट्रेन और फिर किसान आंदोलन की झोपड़ी में भी दुष्कर्म हुआ। गिरफ्तार आरोपी ने माना है कि अनूप चनौद ने भी दुष्कर्म किया था और अंकुर सांगवान ने छेड़खानी की थी, तो वहीं जगदीश बराड़ ने मामले को दबाने के लिए दबाव बनाया था। बता दें कि SIT ने कल भिवानी से आरोपी अनिल मलिक को गिरफ्तार किया था, जो एक रिटायर्ड फौजी है जिसने 2006 में रिटायरमेंट ली थी। पुलिस ने अनिल मलिक समेत 3 आरोपियों पर इनाम घोषित किया था। बताया जा रहा है कि आरोपी 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल से पीड़िता को लेकर टीकरी बॉर्डर आए थे, जिसके बाद 30 अप्रैल को पीड़िता की कोरोना के चलते मौत हो गई थी और 9 मई को पीड़िता के पिता की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए मुख्य आरोपी से फोन बरामद करने के लिए लगातार पूछताछ कर रही है और आगामी कार्रवाई जारी है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।